जैसा कि आपको मालूम, हमने एक खबर दिखाया था कि कल शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कौशल कुमार ठाकुर मेमोरियल 9वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन गढ़वा में हुआ। कल शुरुआत हुई थी उसकी, आज उसका समापन हुआ। एक खबर और हमने दिखाया था आपको, हमने साक्षात्कार दिखाया था आमिर रियाज का। हमने लिखा था कि हौसले से है वो बोल्ड, देश को दिलाएगा गोल्ड। तो आज वह बात सही साबित हुई, आमिर रियाज प्रथम विजेता के रूप में जीत हासिल की है। जो नियम है, जीता तो गोल्ड, लेकिन जो नियम है इसका, इस प्रतियोगिता का, उसमें ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है आमिर रियाज को। आमिर रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आमिर, बहुत बहुत बधाई। हमने कल भी कहा था, आपने भी कहा था कि निश्चित रूप से हम मेडल लाएंगे, तो आज मेडल लाए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हो रही है कि अपने जिले में, अपने होम टाउन में इतना अच्छा किया, और आप सबकी दुआएं थी जो मैं इतना अच्छा कर सका। मेरे गुरुजी राम परवेश तिवारी सर, हमारे जो यहाँ पे शैलेंद्र पाठक सर जी है, उन सब का आशीर्वाद था, तो मैं ये सब कर पाया हूँ। कल तो बात हम लोग की हो ही गई थी कि शुरुआत कैसे हुआ था। इसमें देखा जाता है जो जो साइकिल से आप राइड कर रहे थे, इसमें कई साइकिल ऐसे भी हैं जो महंगे हैं, अच्छे हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं। राइड जो दूर करना पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल जब होते हैं तो वैसी साइकिलें होनी चाहिए। तो अभाव इसमें कहाँ महसूस होता है? उस अभाव को दूर करने के लिए जो मुख्य अतिथि थे, जो शिरकत किए थे, गढ़वा विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने भी कहा कि अभाव को दूर करेंगे। आपने कहाँ पर अभाव महसूस किया? अभाव सर, मैं एक खेलो इंडिया एथलीट हूँ, तो मुझे हर चीज की सुविधा सरकार दे रही है, बट सरकारी काम का वही नियम है कि कुछ लेट होता है, तो उसके चलते मेरे 2-3 नेशनल पे कुछ इक्विपमेंट के कारण मेरा अच्छा प्रदर्शन ना हो पाया। तो बस मैं वही चाहूँगा कि मिथिलेश ठाकुर सर से यही मेरा ये है कि मुझे इक्विपमेंट थोड़ा प्रोवाइड करा दे। बस सही बात है, जब हम जिस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, जो राइड करते हैं, वह वैसी क्वालिटी की साइकिल होनी चाहिए जो आमिर के पास नहीं है। आमिर में क्षमता है, उस क्षमता का मुजाहरा आपने देखा भी कि कैसे प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी, बाहर के प्रशिक्षित खिलाड़ी थे, उनके पास अच्छी क्वालिटी के साइकिलें थे, सभी चुनौती है, चुनौती के पहाड़ को पार करते हुए जिसमें बात आपने जताई थी कि हाँ, एक चाहत है, नेशनल में तो आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ओलंपिक में जाने की चाहत है, आप में वो क्षमता भी है, सबको उम्मीद भी है आपकी प्रतिभा को देखते हुए कि आप, अगर आपको मौका मिलता है ओलंपिक में जाने का, तो निश्चित रूप से देश को गोल्ड दिलाएंगे, वह क्षण और गौरवान्वित करने वाला। जी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मैं अपना हर ट्रेनिंग में, हर कंपटीशन में अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूंगा इंडिया को, और उसके लिए मेडल भी लाऊंगा, और उसके साथ साथ अपने देश का, अपने गांव, शहर, जिले सबका नाम रोशन करना चाहता हूँ। और फिलहाल भी सभी को मेरे से बहुत उम्मीद है, अभी स्टेट चैंपियनशिप में मेडल किया, अभी नेशनल पे खेलो इंडिया गेम्स होने वाले 2023 में, उसमें मेडल लाने की कोशिश रहेगी पूरी मेरी। एक बार फिर से आपको आज के लिए बधाई के साथ साथ शुभकामना देंगे आमिर, कि आप उस प्रतियोगिता में शामिल हो, प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन हर प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए, सबसे चुनौती को स्वीकार करते हुए आपने यहां पर जीत हासिल किया है, उसमें भी जीत हासिल करेंगे आप, और निश्चित रूप से हर किसी को उम्मीद है आपकी प्रतिभा को देखते हुए, आपके हुनर को देखते हुए, आप में समाहित क्षमता को देखते हुए, कि आप निश्चित रूप से ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाएंगे। दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।